हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू करोवांदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स की करंट सिचुएशन की। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके एक्स आजकल क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में चल क्या रहा है और उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस रीडिंग को देखते रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जो एक्स हैं आजकल वो किन हालातों में हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Capricorn. Six of Pentacles. The Star, The Oak King in Reverse. Knight of Pentacles. The Sith. तो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लगता है आजकल आपके एक्स की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन सबसे मदद मांग रहा है और बात सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन की ही नहीं है। यहाँ पे इस पर्सन की इमोशनल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके लिए भी इन्हें दूसरों से मदद चाहिए। आजकल ये पर्सन अपने लाइफ के सबसे रफ दौर से गुजर रहा है कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर अब वो एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ को लेके जो पहले हुआ करती थी। एंड फाइनेंशियली तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर ही रहा है। और हमारे पास द स्टार का कार्ड है। द स्टार के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टार को खो दिया है। वो चीज जो इन्हें डायरेक्शन दिखा रही थी, वही चीज अब इनके लाइफ से कहीं दूर चली गई है। ये आपके बारे में है, क्योंकि आप इनके लिए सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इनको इनके जीवन का मकसद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत हेल्पफुल थे। और ये सिर्फ रोमांटिक तरीके से नहीं, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि आप इन्हें हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने की, चाहे बात लव की हो या फाइनेंसेस की। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके नहीं होने से वो थोड़ा सा भटक गए हैं। थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट इस पर्सन को लग रहा है कि ये पूरी तरह से भटक चुके हैं और अब इनका वापस आना इस केओस से बाहर मुश्किल हो रहा है। द ओक किंग का कार्ड रिवर्स में है। इस पर्सन का दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन पूरी तरह से ब्लैंक है और इनकी लाइफ एक ऐसे सिचुएशन में है जिससे निकलना इन्हें नामुमकिन लग रहा है। एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो ये समझ नहीं पा रहा कि अब आगे क्या हो। सकता है इस पर्सन ने अपनी जॉब गवाई हो या जॉब छोड़ दी हो अपने एंशियस मन के कारण, या कह सकते हैं कि अपने इमोशंस से ना डील करने के कारण, ना डील कर पाने के कारण। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ
ये पर्सन ये सोच रहा है कि इन्होंने काफी वक्त अपने जीवन का बर्बाद कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इतना वक्त बर्बाद करने के बाद वो चीजों को दोबारा से कहां से शुरू करें। हालांकि यूनिवर्स इन्हें बताने की कोशिश जरूर कर रहा है। अगर आप द सेट का कार्ड देखें तो सेट के कार्ड के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे साइंस देख रहा है यूनिवर्स की। यहाँ आप देखें तो एक मिस्टिकल क्रिएचर है, कह सकते हैं फेरीज है। और ये फेरीज इन्हें कुछ बता रही हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें ये बताना चाह रहा है कि इन्हें शायद आपके पास लौट जाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना ठीक है वो चल सकते हैं, आगे मूव ऑन भी कर सकते हैं, पर वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही होगा और वहां पे कोई रियल कनेक्शन नहीं होगा। तो इस पर्सन को काफी सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो इन्हें ये बता रही हैं कि इन्हें अपने दिल को फॉलो करना चाहिए, पर अभी भी ये पर्सन सोचने में ही लगा है। एक्चुअली आप एक ओवर थिंकर से डील कर रहे हैं जो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है, और वो भी सोच लेता है जो कि है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली किंग, द बैटल वैगन, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द अर्थ मदर। तो हमारे पास द होली किंग है। द होली किंग के साथ इस पर्सन का कुछ वक्त लगेगा अभी अपनी इस हालत से बाहर आने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया, गिव अप करके बैठ गए हैं। यहाँ पे ये लैंप लेके घूम जरूर रहे हैं पर अभी पता नहीं है कि जाना कहाँ है। द पैरल वैगन के साथ ये पर्सन कई बार सोचता है कि शायद उन्हें बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है। वो आप तक चले आएंगे और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पर फिर ये पर्सन सोचता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। इससे पहले उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए तैयार होना होगा। अब जब ये पर्सन वापस आएगा तो वो ये श्योर करेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को अंत तक निभा पाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स अब मैच्योर हो गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को पता है कि जब भी वो आपसे कमिटमेंट करेंगे, एक रियल कमिटमेंट, तो उन्हें तैयार रहना होगा आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। इसीलिए ये पर्सन आजकल काफी ज्यादा सोच में पड़ गया है कि क्या वो आपके पास आके इमिडिएटली चीजों को सॉर्ट आउट कर लें या कुछ वक्त लें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ प्रीशियस था और वो प्रीशियस अभी भी इनके पास ही है। इन्हें ये मानने में थोड़ी तकलीफ हो रही है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं या किसी और के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप द अर्थ मदर हैं, यानी आप सिर्फ देते आए हैं और देते रहेंगे। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी है, वो आप उन्हें ही देना चाहते हैं। एक तरीके से उन सारी चीजों पे उनका हक है और वो वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कैपिकॉर्न्स, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां
आपको खुद को हील करना है और हो सके तो दूसरों को भी हील करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है जो हुआ उसको भूल जाए, फॉरगिव कर दें। एंड सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप हर चीज को इस वक्त भूल के अपने ऊपर फोकस करें, हील करें, और उसके बाद आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे। ओके, तो यह है रीडिंग सितंबर की, मतलब कि आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।